असलम वन चीता कैसे सब आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल केचप की रेसिपी अपनी और अपने बच्चों की सेहत पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें और बाजार से बेहतर है कि आप बस पाँच छः टमाटर ले लें ले और ढेर सारी केचप बना के तो रख लें बीस मिनट रहमानी रहीम जल्दी से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें बहुत शुक्रिया यहाँ पे ना मेरे पास टमाटर फ्रीज हुए पड़े थे यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक मैं आपको बताऊँगी बगैर कलर ऐड किए ना आज आप कैचअप बनाएंगे क्योंकि मोस्टली ना चिप में रेड कलर यूज होता है लेकिन यहाँ पे ना ओरिजिनल इसका रेड कलर लाने के लिए क्या करना चाहिए कि आप इसके छिलके उतार दें पे बेस्ट था मेरे पास फ्रीज हुए हुए थे टमाटर तो बहुत इजिली इसका छिलका उतर गया अदरवाइज आप ना अगर आपके पास फ्रेश भी है ना तो भी आप इसका छिलका उतारें छिलका उतारने के बाद आप इनको इस तरह कट करें पीसेस में चाहे तो दो पीसेस में कट कर लें चाहे तो तीन से चार पीसेस में भी आप कट कर सकते हैं ठीक है और इस तरह केचप बहुत ही मज़े की रेड कलर की बनती है पर बिल्कुल भी हमें उसमें फ़ूड कलर ऐड नहीं करना पड़ता और इससे पहले भी मैंने एक दो रेसिपीज कैचअप की अपलोड की हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही आला तरीका है अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बहुत ही स्मॉल साइज़ का ना एक छोटा सा प्याज इसमें ऐड किया है और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है फिर मैंने तो एक चम्मच है ठीक है वन टी है मेरे पास उसके बाद तीन लौंग है और उसके बाद अगर आपके बर, आपके पास भरे साइज में मसाले में इस तरह के स्टिक दालचीनी की स्टिक, स्टिक मौजूद है ना तो आप एक ही ऐड कर लें लेकिन ये थोड़े से साइज छोटे थे तो मैंने इस तरह दो तीन ऐड किए हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे ना अब आप आपने इसी तरह बगैर पानी ऐड किए क्योंकि पानी आप देख रहे हैं टमाटरों ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है कि इसमें किसी भी किस्म का हम पानी नहीं ऐड करेंगे और इसी तरह इसको मिक्सअप करेंगे तमाम जितनी भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं और मिक्सअप करने के बाद ना हम इसको ढक के रख देंगे ढक के आपने तब तक रखना है जब तक तकरीबन ये जितनी भी चीज़ें ना अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएं और साथ साथ आपने चम्मच के मन से भी मैश कर लिया और उसके साथ अगर जितना हल्का फुल्का सा पानी रह जाए मैश करने के दौरान तो आपने वो रहने देना है ठीक है यहाँ पर ये देखें तकरीबन ऑलरेडी चीज़ें सारी मैश हो चुकी हैं और हल्का फुल्का इसमें पानी है लेकिन वो पानी टमाटर का ही पानी है ठीक है हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया पानी वगैरह और ये जो दालचीनी और मेरे पास लौंग थे वो मैंने इसमें से निकाली हैं वो अपने अब इसमें नहीं रहने देना क्योंकि जो हमें टेस्ट चाहिए था वो इसमें आ चुका है सो so, अब आपने एक ब्लेंडर ले लेना है ठीक है उसमें आपने ये तमाम का तमाम जितना भी मटेरियल है वो इसमें आपने ऐड कर देना है और इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि बग़ैर पानी के आप इसको ग्रैंड करें क्योंकि अगर आप पानी ऐड करेंगे ना तो पानी से बिल्कुल भी ये अच्छी कैचअप नहीं बनेगी पानी बिल्कुल भी ना आप इस रेसिपी में यूज़ करें क्योंकि इस रेसिपी में अगर आप पानी यूज़ नहीं ना करते तो बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली आपकी कैचअप बन के रेडी हो जाती है अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि पानी अच्छे से इसका सौक हुआ है के नहीं हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं रह जाता है जब आप कैचअप बना के रख लेते हैं वो रिलीज होता रहता है और आपकी जो कैचअप है ना वो ज्यादा देर तक नहीं चलती है अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट रेडी किया है ना वो ऑलरेडी ऐसे लग रहा है जैसे केचप बन चुकी है लेकिन अभी कैचअप नहीं बनी है वो बहुत ही थिक और मज़ेदार सा पेस्ट रेडी हो चुका था और अब एक छलनी लेने आपने उसकी मदद से इस तरह स्टेंड करते हुए पेस्ट नीचे ऐड करना है ताकि इसमें जो भी टमाटर के बीज वगैरह हैं कुछ भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं ना तो वो इसके अंदर ना जाए वो बाहर रह जाए और वो आपने निकाल के तो अलग रख देने हैं आप किसी भी हंडिया वगैरह में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप उसको वेस्ट मत करिएगा उसके बाद ना यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थिकनेस हो चुकी है यहाँ पर हीटअप हल्का सा हमने किया है यहाँ पर लाइट के साथ भी इसका कलर है और लाइट के बगैर भी आप इसका कलर चेक करें लेकिन अभी जब ये प्रॉपर तौर पे पक जाएगी ना तो इसका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा उसके बाद हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है और इसके बाद आपने इसमें दो चम्मच सिरका ऐड करने हैं अच्छा यहाँ पे ना क्वांटिटी uh, पे भी मैटर करता है अगर आपकी इससे डबल क्वांटिटी है ना टमाटरों की तो आप इन चीज़ों को डबल कर दें ठीक है और अब यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और मिक्सअप करने के बाद अब हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे चीनी टोटली ऑप्शनल है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें लेकिन ऐड ज़रूर करिएगा उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है यहाँ पर तकरीबन मैंने दो से ढाई चम्मच जस्ट चीनी के ऐड किए थे और इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया था और चीनी भी अपना पानी छोड़ती है सो वो जब अच्छे से सोक हो जाता है ना तो समझेंगे के आपकी कैचअप बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि जो हमारी कैचअप है वो अच्छे से बन चुकी है उसके लिए आपने क्या करना है आपको चाहिए एक अदद प्लेट प्लेट पे आपने ना हल्की सी केचप ऐड करके रखी है यहाँ पे पानी बिल्कुल सौख हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होता ना तो केचप के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाना था ये बिल्कुल स्टिल है अपनी जगह पे और बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है यकीन जाने बाजार से भी ज्यादा अच्छी मजे की कैचअप बन गई थी तो ये बहुत ही जबरदस्त आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें अपने प्यारों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रमज़ान बारी के हवाले से मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये इतनी खास प्रिपरेशन है कि बस आप इनको कर लें और आपका पूरा रमज़ान बहुत ही अच्छे से मजे में गुजरेगा और आप जस्ट इबादत करेगा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाफिज